हेलो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम आपको साइंस की स्टडी कराएंगे ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस सीरीज़ में हम आपको एनसीईआरटी की बुक से स्टडी कराएंगे और चैप्टर के एंड में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से हम फसलों को उगाते हैं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो पहेली और बूजो जो दो लड़कियां हैं वो एक दिन अपने अंकल के घर गई और वो उनके अंकल जो हैं वो एक किसान हैं। तो किसान के घर पे क्या मिलता है सबको देखने के लिए, किसान की औजार मिलते हैं, खेती करने वाले जो टूल्स होते हैं वो मिलते हैं। तो उन्होंने क्या क्या देखा, सिकल देखा, हल देखा, खुरपी देखी। तो इन्हें देख के वो बहुत शॉक्ड हो गई और उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उन्हें वो जानना चाहती थी कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो वो दोनों क्या है, इन टूल्स के बारे में, औजारों बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स जिसमें हम ह्यूमन भी आते हैं वो सब अपना फ्रूड कहाँ से लेते हैं, फूड अपना प्लांट से लेते हैं। देखिए जैसे भी हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो दालें हों, वो सब चीज़ें कहाँ से आती है, वो प्लांट से ही तो आती हैं, है ना। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्लांट से नहीं आती है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स जो कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और इन्हें खाकर जो एनिमल्स हैं वो अपना जो खाना है वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हिरन है, हिरन क्या चीज़ खाता है, फूड अपना कुछ भी घास फूस खा लेता है। खरगोश है वो भी घास फूस खाता है। और बकरियां हैं तो बकरियों का दूध है, भैंसे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब अपना फूड कहाँ से लेती हैं, प्लांट से लेती हैं। और इनके बदले में जैसे हम दूध पीते हैं तो वो कहाँ से आता है भाई, दूध जो है भैंस से आता है और भैंस अपना खाना कहाँ से लेती हैं, प्लांट से लेती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ हमें मिल रही है खाने के लिए वो हमें प्लांट से मिलती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फूड जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो भाई इतने सब लोगों को खाना देने के लिए एक तो प्रॉपर प्रोडक्शन यानी कि उगाना ज़रूरी है, उनका मैनेजमेंट ज़रूरी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। स्टिल 10,000 BC पीपल वर नॉमैडिक। दे वर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कहाँ से आया, आई शुरू कहाँ से हुई। देखिए पहले जितने भी एंशियंट पीपल होते थे वो क्या करते थे, वो तो ग्रुप में रहते थे, है ना, और कहाँ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, फूड की प्लेस में, फूड के और शेल्टर यानी कि घर और खाने की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे कि आपने देखा ये आदिमानव के कोई
प्रॉपर घर तो होता नहीं था, वो तो जंगलों में रहते थे, और जहाँ कहीं भी जंगलों से उन्हें रॉ फ्रूट्स यानी कि कच्चे फल मिल गए हैं या वेजिटेबल्स कच्ची मिल गई हैं उन्हें खा लेते थे, और अगर ये भी नहीं मिलते थे तो वो एनिमल्स को एज अ फूड खा लेते थे। बाद में क्या हुआ, उन्हें जो है लैंड को कल्टीवेट, लैंड को उगाना आ गया, कैसे क्रॉप उगाते हैं वो, जो है राइस, वीट और अदर फूड क्रॉप्स वो उगाने लगे। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक लेटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो एग्रीकल्चर आपको समझ में आया, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन प्लांट्स, जो जब एक ही तरह के प्लांट बहुत बड़े किसी लैंड पर कल्टीवेट यानी कि उगा दिए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ऐसे नहीं कि एक लैंड पर बहुत सारे, कोई गेहूं का भी है, कोई राइस का भी है, ऐसा नहीं होता है। एक ही तरह के, जैसे अगर गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं ही पूरे खेत में लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, गेहूं की फसल है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यानी कि अगर हम कहेंगे गेहूं की फसल है तो जब कहेंगे, जब सारे ही प्लांट जो होंगे उसमें गेहूं के होंगे। यू ऑलरेडी नोन दैट द क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो आपको पता ही है कि जैसे जो बहुत सारे दालें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, ये मौसम के बेसिस पर उगाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी मौसम में कोई सा भी फ्रूट या वेजिटेबल्स या दालें उगा दी, ऐसा नहीं होता है। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्योंकि इंडिया में एक जगह कैसा क्लाइमेट है, यानी कि एक जगह बरसात हो रही है तो दूसरी जगह धूप निकल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, किसी जगह बहुत कम टेम्परेचर है। इंडिया जो है एक, जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंडिया की, वो बहुत ही डिफर है, प्लेस टू प्लेस में डिफरेंस करती है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosen of soil allow the root to breathe easily? इसका पहला स्टेप होता है सॉइल को तैयार करना, भूमि को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं, जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि खेतों में ट्रैक्टर चलते रहते हैं ना, तो वो क्या काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसे, उसमें थोड़ी ऊपर की लेयर को जो है हम ऊपर की लेयर को नीचे और नीचे की लेयर को हम ऊपर कर देते हैं, यानी कि मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं। और उलट पुलट होने से क्या होती है कि जो मिट्टी होती है जो टाइट हो चुकी होती है वो लूज़ हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है, इससे जो है जब प्लांट्स को हम उगाते हैं, बीज को उसमें डालते हैं, तो छोटी सी जो रूट निकलती है उसमें से वो
अंदर सॉइल में अच्छे से चली जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो है हेल्प करती है जो रूट होती है उसकी, मतलब जड़ें होती हैं प्लांट की, वो अच्छे से सांस ले पाए और सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर अच्छे से चली जाए। अगर टाइट होगी तो किसी भी चीज़, हार्ड चीज़ को भाई अंदर जाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बीज का छोटा सा पार्ट होता है जहाँ से रूट निकलती है उसे तो निकलने में बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो इतना जोर नहीं लगा सकता, है ना। हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। तो इसलिए ही हमें जो सॉइल है उसको पहले टर्न करना पड़ता है और उसे लूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आगे इसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों ऐसा करती है कि जो मिट्टी होती है, लूजन सॉइल होती है, वो रूट को आसानी से सांस लेने देती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। ये ऐसा क्यों करते हैं, जो लूजन सॉइल है भाई, जो मिट्टी है जो हल्की हो गई है, थोड़ी उखड़ गई है, वो मिट्टी क्या करती है, उसमें जो अर्थवॉर्म नीचे रहते हैं वो अर्थवॉर्म अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो किसान के एक कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जिसे हम खेतों में देखते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े एक्चुअल में किसान के फ्रेंड होते हैं। वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं ताकि उसमें बीज जो है बहुत अच्छे से फसल उगे, प्लांट जो है बहुत अच्छे से उगकर सामने आए, और उसमें जो है डिफरेंट काइंड के ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा ही है कि जितनी भी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उनमें कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत सारे, है ना, कछुए होते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट भी पेड़ों की जो पत्तियाँ गिरी होती हैं, एनिमल्स का डिकम्पोज रहता है, तो वो सॉरी एनिमल्स का वेस्ट रहता है, वो सब इन सब चीज़ों को थोड़े दिनों बाद, जैसे हम देखते हैं कुछ दिन बाद तो फ्रेश हरी हरी पत्ती पड़ी है ना, तो वो कुछ दिन बाद गल सड़ के गायब हो जाती है। तो वो गायब क्या हो जाती है, वो गायब नहीं होती, वो डिकम्पोज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उससे ये, तो जो सॉइल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो केंचुए हों, कीड़े मकोड़े हों, छोटे छोटे जो सॉइल के जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को, डेड प्लांट्स को और एनिमल का जो वेस्ट होता है उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो मिट्टी में चीज़ें मिल जाती हैं प्लांट्स और एनिमल, वो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अच्छी कैसे होती हैं कि भाई उनमें जो है न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं और वो दोबारा प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इससे क्या होता है, जब हम सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टर्निंग इक्विपमेंट्स और लूज कर देते हैं सॉइल को, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की कठोर लेयर होती है प्लांट्स की, जब बार बार प्लांट उगाते रहेंगे किसी एक फील्ड में, तो वो क्या है, ऊपर की लेयर के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जो हम प्लांट उगाने जा रहे हैं, क्रॉप उगाने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो थोड़ी सी नीचे होती है उस वाली मिट्टी को ऊपर कर देते हैं, ताकि जो नीचे वाली मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर मिट्टी में आ जाए, और वहाँ जब हम बीज डालें, बीज उगे, तो वहाँ से जो है सारे बीज को सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से मिल जाए। तो ये था आपका, ये है आपका टर्निंग ऑफ सॉइल कैसे करते हैं हम। फर्स्ट दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो आपको समझ में आ गया होगा किस लिए इम्पॉर्टेंट है सॉइल को टर्न करना और उसे लूज करना। The process of losing and turning of the soil is called tilling and plugging. तो इस process को हम क्या बोलते हैं,
मिट्टी को लूज करने के और मिट्टी को पलटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग या प्लगिंग। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लग। प्लग आर मेड अप ऑफ वुड आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। तो जब हम प्लगिंग करते हैं यानी कि टिलिंग करते हैं, तो टिलिंग अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो बहुत ही हार्ड, मतलब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मिट्टी को पलटने के लिए। अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी पहले ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा वाटरिंग कर देते हैं उस फील्ड की, पानी थोड़ा सा उसमें फील्ड में डाल देते हैं, तो वो फील्ड जो है थोड़ा सा वेट हो जाता है, और जिसकी वजह से मिट्टी भी जो है थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और उस ढीली मिट्टी को अलटना पलटना, उसमें हल चलाना, उसमें टीलिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो प्लगिंग है वो किसकी हेल्प से होती है, वो प्लग की हेल्प से होती है। हल आपने देखे ही होंगे, अभी मैं उसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ आगे। द प्लग फील्ड मे हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो जब हम इस मिट्टी की प्लगिंग कर देते हैं तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के जो हैं बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो हैं पलट जाते हैं। जब सूखी हुई मिट्टी होती है तो भाई बहुत बड़ा एरिया जो है मिट्टी का वो पलट जाता है। अब जो बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं मिट्टी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो क्रम्स होते हैं ये बीज को सही से अंदर मिट्टी के अंदर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो ठीक से लूज नहीं हुई है। तो इन क्रम को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेवलर का यूज़ करते हैं। मतलब मिट्टी को जो है हमें पूरी तरह से लेवल में लाना है। अगर लेवल में नहीं लाएंगे तो कोई बीज ऊपर रह जाएगा, कोई बीज मिट्टी के नीचे चले जाएगा, जो कि क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस जो ये क्रम्स होते हैं इन्हें तोड़कर हम एक लेवल में, सारी फील्ड को एक लेवल में ला देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलर आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा होता है, कल्टीवेटर के पीछे एक लंबा सा फट्टा लगा होता है, और उस फट्टे को इसीलिए लगा रहता है कि जो आपका कल्टीवेटर है वो तो मिट्टी को टिलिंग करता रहे मिट्टी की, और जो पीछे लेवलर है वो फट्टा है वो मिट्टी, वो जो उल्टी सीधी सॉइल हो गई है, ऊंची नीची सॉइल हो गई है, उसे एक लेवल में करता रहे। Sometime manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil and the soil is watering before sowing. कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि हम कभी कभी खाद भी मिला देते हैं, ताकि जो हमारी पुअर न्यूट्रिशन रहते हैं सॉइल में, अगर सॉइल ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मिट्टी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, और उसे अच्छी, हमें और ज़्यादा अच्छी फसल चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, खाद भी मिला देते हैं। तो इस टाइम पर खाद मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि भाई जो खाद है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाती है मिट्टी के साथ, है ना, ऊपर ऊपर नहीं रहती है, वो ऊपर नीचे सब जगह पहुंच जाती है, ताकि प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से मिल पाए। और खाद डालने के बाद हम उसमें क्या करते थे, पानी मिला देते हैं, ताकि वो जो खाद है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के थ्रू सॉइल के अंदर चले जाएँ। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या इसमें एग्रीकल्चर के औजार चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए देखते हैं। बिफोर सोइंग, बोने से पहले सीड को, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू द गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग, होए एंड कल्टिवेटर। तो टिलिंग करने के बाद जो हम दूसरा प्रोसेस करते हैं सोइंग, बीज को बोना, उसके लिए क्या करते हैं, तो जो टिलिंग का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में कौन कौन से टूल होते हैं, प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। तो देखिए ये है प्लग। प्लग कैसे होता है, एक प्लग में ये एक प्लग का प्लग शाफ्ट होता है, प्लस प्लग का शेयर होता है, ये शेयर होता है, और प्लस ये बीम होती है, प्लग की बीम होती है। यहाँ पर हैंडल भी होता है, एक लंबा सा हैंडल भी होता है, जिसे जो फार्मर है जो प्लग को चला रहा होता है उसे हैंडल करने के लिए, किस डायरेक्शन में मूव करना है ये प्लग शाफ्ट को। तो ये जो प्लग शाफ्ट होता है ये एक्चुअल में मिट्टी के अंदर रहता है, ये रहा मिट्टी के अंदर रहता है, और ये जो प्लग शाफ्ट होता है ये ज्वाइन करता है प्लग शेयर को और बीम को। बीम क्या होती है, बीम वो चीज़ होती है जिसे हम
कि जो भी एनिमल उस प्लग को खींच रहा होता है वो उसकी गर्दन पर रख दिया जाता है, यानी कि सपोर्ट देने के लिए। किससे खींचेगा? जो एनिमल है, जैसे ये दो तो प्लग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीट, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए इस प्लग का यूज़ होता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल एंड अदर एनिमल्स। किसी भी चीज़, कोई भी दो एनिमल्स के थ्रू इन्हें चलाया जाता था। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लोब ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लग शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। द इंडिजियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। तो यही जो वुडन प्लग अभी अभी हमने पढ़ा, उसे जो है अब आजकल जो है आयरन के प्लग ने रिप्लेस कर दिया है। और इस आयरन के प्लग को हम क्या कहते हैं, जो आयरन का, अब पहले जो है ये लकड़ी का यूज़ होता था, अब आयरन का यूज़ होता है। उस आयरन के मतलब लोहे के बने हुए हल को हम क्या कहते हैं, होय। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल। जैसे वो भी कोई भी एनिमल से चलता था, ये भी किसी एनिमल से चलता था। सिर्फ यही डिफरेंस है होय और प्लग में कि ये जो है लोहे का बना होता है और इसकी जो ये प्लेट होती है, बैंड प्लेट, यहाँ पे शेयर नहीं होता है, यहाँ पे बैंड प्लेट होती है और ग्रिप भी होती है, देखिए हैंडल भी होता है, बीम भी होती है, ये सब चीज़ वही चीज़ें हैं, बस उसे रिप्लेस कर दिया गया है। कल्टीवेटर। नाउ अ डे प्लगिंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। इट इज़ द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आजकल क्या होता है, कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। अब सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे होता है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू द फ्लोट ऑन टॉप। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो एक दिन क्या है, अपनी मम्मियों को आपने सबने घर में देखा होगा कि जो दालें होती हैं, जब दाल बनाती हैं तो वो दाल क्या करती हैं, पहले पानी में भिगो देती हैं। तो पानी में जब वो भिगो देती हैं तो कुछ दालें जो हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा ऐसे क्यों होता है? देखना अभी कभी, अब जब आपकी मम्मी दालें बनाएंगी ना तो आप देखना कि वो ऐसा करती हैं या नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो उनसे पूछना कि ऐसा क्यों करती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करती हैं वो। ये है एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, मैंने एक ग्लास लिया है, उसमें पानी भर दिया है और कुछ गेहूं के दाने डाल दिए हैं। अब कुछ देर देखने के बाद हमने देखा कि जो बहुत सारे गेहूं के दाने हैं वो नीचे हैं, लेकिन कुछ जो दाने हैं वो पानी के ऊपर भी तैरने लगे हैं। तो क्यों, कौन सी चीज़ तैरती हैं? देखिए, जो हल्की होती हैं चीज़ वो पानी के ऊपर तैरती हैं और जो भारी होती हैं वो पानी के नीचे बैठ जाती हैं, जो भारी होती हैं चीज़ें। तो ये जो हल्के बीज हैं ये कैसे, क्यों हैं हल्के और क्यों तैर रहे हैं वो? भाई हल्के हैं इसलिए तैर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हल्के क्यों हैं? जब सभी गेहूं के बीज हैं, ये भी गेहूं के बीज हैं, ये भी गेहूं के बीज हैं, तो हल्के क्यों हैं ये? तो क्यों होते हैं हल्के ये? क्योंकि ये अंदर से खाली हैं, एम्प्टी हैं अंदर से, इनमें कीड़ा लग गया और ये इन्हें खाली कर गया, तो इसलिए ये खाली हो गए। और खाली हो गए तो इसका मतलब ये बेकार सीड हैं।
तो ये क्या एक्टिविटी थी कि इन्हें हम ऊपर से निकाल देंगे तो हमें हमारे पास एक हेल्दी बीज जो है, हेल्दी सीड्स जो हैं, हेल्दी गेहूँ हमें मिल जाते हैं। ऐसा ही हमारे घरों में हमारी मम्मियाँ करती हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटियर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो हमें अभी अभी देखा जो खराब बीज थे वो अंदर से खाली होते हैं और वो बहुत ही हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे हेल्दी सीड्स को डैमेज जो सीड्स हैं उनसे अलग करने का। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल टूल हैं वो क्या क्या है बोने के लिए। द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। एक फनल की शेप का होता था पहले। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड पियर्स इन टू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। पहले जो होता था एंशियंट टाइम में क्या होता था, एक कीप के साइज का तरह का होता था ये टूल। इसमें क्या करते थे कि यहाँ पे दो तीन बीज डाल दिए और इसके एंड में जो इसके पॉइंट होते थे दो तीन पाइप से, वो पॉइंट को हमने ज़मीन में डाल दिया और जैसे ये ज़मीन में डाला दो तीन बीज निकल के वहीं पर बीज निकल के ज़मीन में चलते गए। तो बार बार ये फनल को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे डालते हैं, फिर वो जो सॉइल के एंड होते हैं शार्प एंड, वहाँ से बीज निकल कर नीचे डल जाते थे। तो ये क्या था, एंशियंट तरीका था। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, आजकल हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। अब सीड ड्रिल क्या है, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे ज़मीन के अंदर जाने के लिए बहुत सारे शार्प एंड्स होते हैं और इसमें एक साथ ही बहुत सारी जगह पर हम सीड को प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नाउ अ डे द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसे कि हमने अभी अभी पहले पढ़ा कि भाई पहले के हलों को अब जो है कल्टिवेटर से ने बदल दिया है, कल्टिवेटर ने उनकी जगह ले ली है। इसी तरीके से जो ये पहली एंशियंट टाइम में जो ये फनल टाइप यूज़ होता था इसको बदल दिया है सीड ड्रिल ने। सीड ड्रिल एक मॉडिफाइड वर्जन है उसी का। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं कि ये जो सीड हैं वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में प्लेस हो जाते हैं इससे, है ना। इससे क्या होता है भाई जो, और ऊपर से जो है सॉइल जो है वो ढक दी जाती है, अलट पलट कर दी जाती है ताकि जो सीड्स अंदर गए हैं वो ढक जाएं और ढक जाएं उन्हें बर्ड्स ना खा सके। देखी होगी बहुत सारे खेतों में बर्ड्स बहुत ज़्यादा आई रहती है और बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर वो बीज डाला और बर्ड्स जो हैं गेहूँ खाती हैं तो बर्ड्स ने अगर गेहूँ खा लिए तो सारी जो उसकी मेहनत है किसान की वो मेहनत उसे नहीं मिलेगी। तो उन बीजों को बर्ड्स ना खाएं इसलिए सॉइल को ऊपर से ढक देते हैं। तो ये जो सीड ड्रिल है वो क्या करती है, किसान का टाइम भी बचाती है और उसका मेहनत भी बचाती है। देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप इन स्मॉल बैग्स। वेयर आर दे कैप लाइक दिस, वाई आर दे कैप लाइक दिस। तो आपने देखा होगा जो नर्सरी रहती है आपके स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास, आपने बहुत सारी जगह में देखा होगा कि छोटी छोटी पॉलीथीन में पॉली बैग्स में प्लांट्स को उगाया जाता है। तो ऐसे इसलिए किस लिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली सीड जो सॉइल है उसमें नहीं उगाए जाते हैं। उन्हें क्या है, पहले छोटी सी उसकी प्योत बनाते हैं, फिर उन्हें वहाँ से मिट्टी के सहित ही उखाड़ लेते हैं और दूसरी जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करता है। लेकिन ऐसा सभी जो प्लांट्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं, सभी क्रॉप के साथ नहीं करते हैं, कुछ क्रॉप्स के साथ करते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हम डायरेक्टली सोइंग कर देते हैं, लेकिन चावल को हम पहले चावल की छोटे छोटे से पौधे बनाएंगे एक एरिया में और फिर वहाँ से उन्हें निकाल कर दूसरी जगह पर प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में उन्हें प्लेस करेंगे, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली जो है सॉइल के अंदर नहीं डाला जाता है, ठीक है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली।
Some forest plants and flowering plants are grown in the nursery. ऐसे ही कुछ plants grow किए जाते हैं. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई सब plants को हम एक जैसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लांट्स का प्रॉपर डिस्टेंस, एक दूसरे से बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे उगना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि भाई एक जगह पे अगर बहुत सारे, अगर ह्यूमन बीइंग भी हैं, भाई अगर हम शादियों में जाते हैं ना, शादियों में क्या होता है, एक ही जगह पे बहुत सारे, अगर जगह के अकॉर्डिंग आदमी बहुत सारे हो जाते हैं तो उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है और धक्का मुक्की और हो जाती है, इनकन्वीनियंट हो जाता है किसी भी आदमी के लिए. ऐसा ही जो है प्लांट्स के लिए भी है. प्लांट्स को भी अपनी खाना लेने के लिए ज़मीन में से एक प्रॉपर जगह की आवश्यकता है, जहाँ से वो उसका न्यूट्रिएंट्स ले सके और आपस में धक्का मुक्की ना हो, है ना. तो इसी ओवर क्राउडिंग को दूर करने के लिए एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है प्लांट में. इसी को हम अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है. This allow plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. तो अच्छे से उन्हें लाइट पहुँच जाए, उनके पास न्यूट्रिएंट्स आ जाए, उन्हें वाटर मिल जाए सॉइल में से, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है. कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें कुछ पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वहाँ से हटाने भी पड़ते हैं मैनुअली. किसान जो है अपने पौधों को उगा, जब वो छोटे छोटे उग जाते हैं और एक जगह पे अगर बहुत सारा ग्रुप गुच्छा सा बना होता है तो वहाँ से कुछ प्लांट वो निकाल देता है ताकि जो और प्लांट है वो हेल्दियर ग्रो कर सके. तो आज का जो क्लासेस है, सेशन है, वो यहीं तक है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं तो आपको उस वीडियो की अपडेट मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.